होममेड सेरेलैक्स, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। इसे आप अपने 6 महीने से बड़े बच्चों को खिला सकते हैं। 6 महीने के बाद बच्चों को सेरेलैक्स दिया जाता है, पर आप मार्केट का ना देखे घर पर इसे इजिली बना सकते हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बेबी केयर फैमिली पर। आज की इस वीडियो में हम आपको सेरेलैक्स की एक रेसिपी दिखाने वाले हैं, जो बच्चों के लिए बहुत ही हेल्दी होने वाला है। इसे खाकर बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास बहुत तेजी से होता है। बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है और इसे बच्चे बहुत ही आसानी से डाइजेस्ट कर लेते हैं। इसके लिए आपको कुछ मखाने चाहिए, कुछ खजूर चाहिए, एक एप्पल चाहिए और एक बनाना चाहिए। आप बच्चों को जो फ्रूट्स हैं वो रॉ भी दे सकते हैं, इससे बच्चे खाना खाना सीखते हैं। इस सेरेलैक्स को बनाने के लिए आपको मखाने और खजूर को भिगाना होगा। खजूर को आप पहले भिगा दीजिए, क्योंकि जो खजूर होते हैं इसे भीगने में थोड़ा टाइम लगता है, तो आप इसे 1 से 2 घंटे पहले भिगा सकते हैं। मखानों को भीगने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, इसलिए आप मखाने को थोड़ी देर पहले भी भिगा सकते हैं। इन्हें भिगाने के बाद जब ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं, तो आप इसे मिक्सी में पीस सकते हैं। मखानों को आप अगर ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं तो विदाउट मिक्सी भी अच्छे से पीस सकते हैं। जब ये दोनों अच्छे से भीग जाएं, तो आप इन दोनों को मिक्सी में पीस सकते हैं, मगर पीसने से पहले खजूर की जो बीज होते हैं आपको उन्हें निकाल देना चाहिए। मिक्सी में आप इनका जो पानी है उसे अच्छे से निकाल कर फिर इसे मिक्सी में डालिए। खजूर का जो बीज है आप उसको अलग कर दीजिए और उसे भी पीस दीजिए। आप जो एप्पल है उसे पूरा मत डालिए, एप्पल का 1 से 2 टुकड़े ही इसमें डालने हैं। इसके साथ आप इसमें थोड़ा सा दूध डाल सकते हैं, आप चाहें तो अपना ब्रेस्ट मिल्क इसमें ऐड कर सकते हैं, और आप चाहें तो जो आप फॉर्मूला मिल्क या काउ मिल्क देते हैं उसको भी इसमें ऐड कर सकते हैं। जो मिल्क है वो बिल्कुल ऑप्शनल है। इसी के साथ आप इसमें थोड़ा सा बनाना भी डाल सकते हैं, आप बनाने को आधा ही डालिए। जब ये अच्छे से पिस जाएगा उसके बाद आप इसे बच्चे को डायरेक्ट दे सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसको हल्का सा गर्म करके बच्चे को दे सकते हैं। इसे बनाना बहुत ही आसान है, आप इसे कभी भी बनाइए। और मॉर्निंग में अगर आप इसे मॉर्निंग में खिलाते हैं तो ये और भी अच्छा होता है, तो आप इसे मॉर्निंग अपने बच्चों को दे सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर हमें सब्सक्राइब और फॉलो ज़रूर कीजिएगा।